हैव ए गुड डे क्लास 9 स्टूडेंट। नाउ टुडे योर हिस्ट्री सब्जेक्ट टॉपिक नंबर 5 पेज नंबर 21 द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो इसका मतलब क्या है ना, स्लेवरी सिस्टम का एवोल्यूज होना। तो कैसे हुआ? वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द जैकोबिन रिजिम वॉज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो जैकबिन रिजिम में, जैकबिन ने अपने शासन काल में सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया था, उसमें से सभी में से एक है स्लेवरी सिस्टम को एबोल्यूश करना फ्रेंच कॉलोनी से। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन मॉन्टिक्यू गुआडेलोप एंड सैन डोमिंगो वेर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो फ्रेंच कॉलोनी में कौन कौन लोग थे? कैरिबियन लोग, मेंटिक्यो, गैडेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये लोग क्या करते थे वहाँ पे? टोबैको, तंबाकू, इंडिगो, वी ऑल आर नो इंडिगो मीन्स एक नील कलर का जो कपड़े में कलर करने के लिए यूज़ होता है, इसके साथ साथ शुगर एंड कॉफ़ी, ये सब सप्लाई करते थे। बट द रिलुकेंट ऑफ यूरोपियंस टू द गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्ट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑफ प्लांटेशन भी। लेकिन यूरोप में इसकी एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारे लोगों को ले जाते थे फ्रांस से, और जिसके चलते अनफेमिलियर लैंड ले जाते थे, और वहाँ पे जो ज़मीन अनफेमिलियर्स मीन्स जहाँ पे जो ज़मीन फैमिली के लायक नहीं है, जहाँ पे जिस ज़मीन में खेती बाड़ी अच्छा नहीं हो पाएगा, ऐसी ज़मीन में वो लोग ये चार खेती करने के लिए लेबर को प्लांटेशन करने के लिए इन्फ्लुएंस देते थे। सो दिस वॉज मेड बाई ए ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो इसी के चलते, मतलब ये सब ट्रेड करने के लिए, टोबैको हो या कॉफ़ी, शुगर, ये सब के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी में एक ट्राइंगल बिजनेस, ट्रेड बिजनेस क्रिएट हुआ। किसके साथ? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका कॉन्टिनेंट के में। द स्लैब ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। इसमें क्या हुआ? स्लैब दास मतलब ऐसे नौकर लोगों को भी ट्रेड करना, बेचना शुरू हुआ। कब? ना 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नैंटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। फ्रेंच के जो मर्चेंट लोग थे वो लोग क्या करते थे? फ्रेंच के जो सर्वेंट लोग थे, या हम लोग बोल सकते स्लेवरी लोग थे, उन लोगों को बॉर्डेक्स और नैंट्स नाम के जो अफ्रीकन कोस्ट है, अफ्रीका में जो समंदर है, वहाँ पर ले जाकर बेच देते थे। वेयर दे बॉट स्लैब फ्रॉम लोकल चिफ्टेन, जबकि वो लोग स्लैब्स खरीदते थे लोकल जो लीडर होते थे, तो जो लोकल जो दलाल टाइप के लोग होते थे उनसे, ब्रांडेड एंड सेकल्ड। द स्लैब वेयर पैक टाइटली इन टू शिप फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द एटलांटिक टू द कैरिबियन। स्लैब लोगों को, आदमी को सामान जैसा पैक करके जहाज़ों में भर के कैरिबियन देश में या अफ्रीका में ले जाया जाता था। किस लिए? ना वहाँ पे उन लोगों को बेचा जाता था, सेल कर दिया जाता था। दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, वहाँ पर उन लोगों को बेच दिया जाता था। किसके पास? ना प्लांटेशन ओनर के पास, या जो जमींदार किस्म के लोग थे, टाइप के लोग थे, उन लोगों के पास बेच दिया जाता था। द एक्सप्लोइशंस ऑफ स्लैव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। ऐसे ही
यूरोपियन कॉन्टिनेंट के मार्केट में भी स्लेवरी लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुआ, क्योंकि वहाँ पर भी इंडिगो, सुगार, कॉफ़ी ये सब खेती करने के लिए। पोर्ट सिटीज़ लाइक्स बॉर्डेक्स एंड नेंटर ओडिड देयर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिश स्लैब ट्रेड। तो पोर्ट सिटी मतलब पोर्ट के रिलेटेड जो शहर होता है उसमें से दो शहर कौन सा था, बॉर्डेक्स एंड नेंटर, ये दोनों शहरों में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। किस कैसे ना, वही स्लेवरी का जो या का जो सर्वेंट लोगों का जो सेलिंग करना या खरीदना और बेचने का जो काम शुरू हो गया, इसमें उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद होने लगा। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन सॉरी 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 हाँ Throughout the 18th century, there was little crisis, criticism of slavery in France. पूरे 18th century में 17th century, middle of the 17th century से start हुआ था और 18th century तक पूरा ये slavery system पूरे फ्रांस में चलने लगा, और इसके चलते हुए एक criticism Jacobin regime में Jacobin को एक criticism का सामना करना पड़ा। The National Assembly held long debate about whether the right of main should be extended to all French subjects included those in the colonies. तब नेशनल असेंबली ने कहा अगर सभी लोगों का समान अधिकार है तो स्लेवरी लोगों को क्यों नहीं होगा। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट चला, जिसके इस डिबेट में क्या हुआ ना, फ्रेंच कॉलोनी सब्जेक्ट टू द इस सब्जेक्ट के ऊपर फ्रेंच कॉलोनी में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन इसमें कोई नियम या आइन पास नहीं हुआ। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लैब ट्रेड, उन लोगों ने फ्रांस के लोगों ने क्या हुआ, भयभीत हो गए। जो लोग स्लैब का स्लेवरी सिस्टम का बिजनेस करते थे, आदमी को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर बेच देते थे, वो लोग एक ह्यूज परिवहन टैक्स सरकार को पेमेंट करते थे। तो इसके लिए डर के मारे, ताकि अगर कोई नियम लागू कर देंगे तो ये टैक्स नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं कर पाए। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन व्हिच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लैब इन द फ्रेंच ओवरसीज प्रोपोजिशन। धीरे धीरे इसके बाद फाइनली एक कन्वेंशन बिल्ड अप हुआ और 1794 में सभी स्लैब्स को आज़ाद घोषित कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर्स लेटर, जबकि ये 1794 में घोषित करने के बाद भी नहीं हुआ था, 10 साल इसके बाद भी लड़ाई करना पड़ा और उसके बाद जाके ये संभव हुआ। और इस 10 साल बाद 10 ईयर लेटर नेपोलियन रिनेट्रेड स्लेवरी प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसके बाद नेपोलियन ने क्या किया ना, स्लेवरी जो लोग थे उन लोगों को आज़ादी दिलवाया और प्लांटेशन ओनर लोगों को ये बात को समझाया कि उन लोगों को आज़ादी देने के बाद भी वो लोग अफ्रीकन निग्रोज लोग अगर चाहे तो आप लोगों की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आगे बढ़कर काम कर सकता है। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनी इन द ईयर 1848। तो स्लेवरी सिस्टम फ्रांस में टोटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ कब ना, 1848 में। तो यहाँ पर देखा जाए निग्रो, निग्रो क्या है, ए टर्म यूज फॉर द इंडिगोनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, इट इज डिरोजिएटरी टर्म नॉट इन ए कॉमन यूज एनी लॉन्गर।
नीग्रो सभी को नहीं कह सकते हैं, या कॉमन पीपल सभी अफ्रीकन लोगों को नहीं। अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में सहारा मरुभूमि के डिजर्ट एरिया में जो लोग रहते थे उन लोगों को नीग्रो कहा जाता था। अभी भी नीग्रो कहा जाता है, देखना हम लोग कहते हैं कि बहुत ब्लैक पीपल को नीग्रो कहते हैं, तो बहुत ब्लैक पीपल मतलब ही नीग्रो ये नहीं है, लेकिन हम लोग ब्लैक पीपल को देखते ही नीग्रो कह देते हैं। टाउनशिप में बड़े बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स को दिखने को मिलता है, जो लोग को दिखने में लग नाइजीरिया के फुटबॉलर लोगों को देखना आप लोग, या अफ्रीका के फुटबॉलर लोग, या ब्राज़ील के भी कुछ फुटबॉलर है, सब तो अच्छे नहीं है दिखने में, तो ऐसे कुछ फुटबॉलर्स हैं जिन लोगों नीग्रो एक लोअर कैटेगरीज के लोअर कास्ट के लोग हैं जो जनजाति टाइप। हमारे देश में अगर सब इजीली बताया जाएगा तो ये लोग जनजाति उपजाति या जनजाति या जंगल में रहने वाले आदिवासी किस्म के लोग होते हैं, बट ये लोग भी कॉमन ह्यूमंस जैसा ही है, नॉट लाइक कि स्टोन एज ह्यूमन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टू